इस समय पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसी रिजर्व्स हैं, दुनिया के सभी देशों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जितनी भी करेंसी है और सभी देशों के बीच जो आपस में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसमें ऑलमोस्ट 50% के करीब की वॉल्यूम अकेले US डॉलर ने एक्वायर कर रखी है। दुनिया के अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स, कंपनीज, ट्रेडर्स, इन सब की मजबूरी बन गया है US डॉलर। एंड पिछले कुछ सालों से हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका इसी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अपने खिलाफ जाने वाले हर एक देश के ऊपर एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहा है। अभी तक क्या था कि दुनिया का कोई भी देश अमेरिका या फिर US डॉलर को चैलेंज करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं दिखा रहा था, लेकिन जो कैंपेन भारत ने पिछले साल स्टार्ट किया था, जो मुहिम भारत ने पिछले साल शुरू की थी, वो अब इतनी सफल होते दिखाई दे रही है कि दुनिया के और भी कई सारे देश उसके साथ जुड़ गए हैं, जिसको देखकर अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है। आपको याद होगा पिछले साल भारत ने खुद की करेंसी इंडियन रुपीज को ग्लोबल ले जाने का एक कैंपेन स्टार्ट किया था। भारत दुनिया के बाकी देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड में US डॉलर की जगह नेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करना चाहता है। भारत के इस कदम को दुनिया के कई सारे देशों ने पॉजिटिव तरीके से लिया है। 18 देशों के साथ भारत का नेशनल करेंसी में ट्रेड ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इस समय भी RBI दुनिया के 30 से 40 अलग अलग देशों के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है। और ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाद और भी कई सारे देशों ने इंटरनेशनल ट्रेड में US डॉलर को रिप्लेस करके नेशनल करेंसी के इस्तेमाल की मांग करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। अभी 2-3 दिन पहले ही ब्राजील के प्रेसिडेंट ने मांग की है कि ब्रिक्स देशों को ब्रिक्स बैंक के बाद अब ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करना चाहिए और जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं इन सब देशों को आपस में ट्रेड करने के लिए US डॉलर की जगह इसी ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब देखकर पिछले 60 से 70 सालों में अमेरिका को पहली बार ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर जो अमेरिका की डोमिनेंस थी, अमेरिका के US डॉलर का प्रभुत्व था, वो अब खतरे में आ गया है। और ये चीज हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रही हैं। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर वियॉन वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। US ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलन ने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न किया है कि अमेरिका के एक के बाद एक देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाने के कारण US डॉलर की डोमिनेंस खतरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि जिन देशों के ऊपर अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है, अब जो वो अल्टरनेटिव्स लेकर आ रहे हैं, विकल्प लेकर आ रहे हैं, उनसे US डॉलर खतरे में आ गया है। और जब तक US डॉलर से लिंक्ड फाइनेंशियल सैंक्शंस इसी तरह लगते रहेंगे, समय के साथ US डॉलर की लीडरशिप खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाता है उसमें अमेरिका के अलाइज को भी एक ग्रुप बनाकर सैंक्शंस को फॉलो करना चाहिए, यानी भारत को भी अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करके अमेरिका का साथ देना चाहिए। पिछले कुछ सालों के दौरान अमेरिका ने US डॉलर को लेकर कई सारे कानून पास किए हैं, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट और पेट्रियट एक्ट, इसके अलावा डिफेंडिंग इलेक्शंस फ्रॉम थ्रेट्स और डिफेंडिंग अमेरिकन सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेमलिन एग्रेशन एक्ट, ये कुछ नए एक्ट प्रपोज किए गए हैं। ये ऐसे कानून हैं जिनका इस्तेमाल करके US गवर्नमेंट दुनिया के किसी भी देश के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकती है, फिर चाहे आरोप साबित हो या फिर नहीं। अब हुआ क्या कि इससे पहले अमेरिका की करेंसी US डॉलर को चैलेंज करने की कोई भी देश हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अमेरिका ने अब सैंक्शंस लगाकर ईरान, रशिया, चाइना, इन सब देशों को एक तरह से मजबूर कर दिया है कि ये देश US डॉलर को यूज करना बंद कर दें। और जो बाकी भारत जैसे देश हैं, वो US डॉलर को अपने ट्रेड से इसलिए निकालने लग गए हैं ताकि अमेरिका US डॉलर का इस्तेमाल करके कल को हमें भी ब्लैकमेल ना कर पाए। एंड अगर अमेरिका इनकी तरह हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है या फिर प्रतिबंध लगाता है, तो उस केस में हमारे पास अपनी खुद की करेंसी का विकल्प पहले से मौजूद हो, खुद की करेंसी में ट्रेड करने का एक मैकेनिज्म पहले से तैयार हो। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाना अब खुद ही US डॉलर के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है।